हेलो गाइस, वेलकम टू आवर फर्स्ट वॉइस ओवर वीडियो। तो गाइस, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ की एक पहला मेरे को पता नहीं नया प्लेयर मिल गया था, उसका थोड़ा हम लोगों ने ट्रॉल किया उसके सामने। देखते आप देखोगे लोल थोड़ा सा लोल पंथी करता है, वो यूजी जरूर चलाता है। मैं उसे फिनिश कर देता हूँ खेल के चक्कर में, और चूज देता हूँ कि लोल को उसने नॉक कर दिया था, इसलिए लोल को उसने नॉक कर दिया था क्योंकि लोल उसके सामने जाके डांस कर रहा था। तो गाइस, तभी हमें अचानक से लेफ्ट साइड से साउंड आता है बोट प्रैंक का, आप देखोगे। आ गया राइट साइड से बंदा, ये देखो राइट साइड से मेरे को साउंड आ चुका था कि यहाँ पे बोट प्रैंक के चक्कर में कुछ और ये लोग चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे अपना हेल्थ वगैरह फुल करके, अचानक से मुझे एक बोट दिख जाता है। ओके, तो मैं पहले एक बोट फिनिश करूँगा। और मुझे ये भी पता चल गया था कि रोड के अपोजिट साइड भी बंदे हैं, तो अभी ये पता करना था कि वो बंदा है कहाँ। तो पहले मैं इस घर में एक ग्रेनेड करने की कोशिश करता हूँ, बट तभी अचानक से मेरे पे डीपीएस से आएगा। यो देखो भाई साहब, मैं बच के किसी भी तरह मैंने ग्रेनेड वगैरह कैसे भी फेंक दिया, भाई साहब जहाँ जाना है जाओगे। बट उसने गलती की कि वो ओपन में, मतलब ओपन से खड़ा होकर एडीएस ले रखा है, हद है भाई, हद है। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा गलत ही आ गया, यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी गलती की, मेरा एडीएस बहुत गलत खुला। बट लोल पीछे था तो उसने इजीली मुझे कवर दे दिया, डेविड को नॉक किया। और यहाँ पे एक और बंदा अंदर में टीवीपी ले रहा है, तो मुझे उसका फुटस्टेप्स नहीं दे दिया। मैंने लोल को बोला कि भाई जाओ अंदर जाके फिनिश कर दो, और लोल गया इजीली, उसने उसे नॉक किया एसएस ब्लजम को। अभी देख लो ये रावण का शुरू, इन्हें पेन से मारना है। और पीछे से एक थॉमसन वाला खाता ही, मतलब 50 का 50 बुलेट वो चलाने के चक्कर में आ गया था भाई साहब। यहाँ देख लो वो ओपन से आता हुआ दिखेगा, और इजीली मैंने उसे फिनिश करके अपने लिए किल कंफर्म किया। फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे रस वस करने, क्योंकि पोचिंग की में अब बंदे बचे नहीं थे, हम लोग बहुत देर से पोचिंग की में थे, करीब 2-3 स्क्वाड यहाँ मिल चुका था। ओके, अचानक से एक बाइक वाला दिखता है, उसे मैं डैमेज भी देता हूँ, बट किल उसका कोई और चोरी कर लेता है, तो मैं इसलिए आपको नहीं दिखाऊंगा। आप देख सकते हो लोल ने उसका किल चोरी कर लिया। और यहाँ पे सामने से एक और व्हीकल आता है, उसे भी डैमेज दिया, साले घूम गए कवर में चले गए, मतलब हद ही है। आज का लकी थोड़ा ख़राब था मेरा, डैमेज दो बट वो निकल जाता था। और एक और गाड़ी वाला, इसे भी मैंने डैमेज दिया, ये भी आप देखो ये भी निकल चुका था। और एक और व्हीकल आएगा, उसे भी डैमेज मिलेगा, बट वो उसमें मैंने थोड़ा गलत था क्योंकि मेरा मोबाइल चार्ज में लगा हुआ था, तो चारों काम नहीं कर पाया था। जैसे ही वो नज़दीक आया मेरा मोबाइल नहीं हिला पाया मैं। ओके, यहाँ पे तो वो चारों का चारों किल फिर उन दोनों ने मिल के ले लिया, तो यहाँ पे मेरे को एक भी किल नहीं मिला, बट इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं बता था, सारे बंदे जितने भी आते हैं रॉजहॉक रश करने के लिए सभी को हमने फिनिश कर डाला था। तो यहाँ से हम लोग चल चुके थे जॉर्जो पुल के लिए, क्योंकि जोन भी उधर ही था। यहाँ पे अचानक से रास्ते में एक यूएजेट दिखाई दिया, तो वो याद आ गया मेरे को, ये तो वही है जिसे मैंने डैमेज दिया था। तो उस बंदे को हम लोग खोजने निकले, बट यहाँ पे राइट साइड ड्रॉप था, लेफ्ट साइड से अचानक से हमें साउंड आ जाएगा फाइट का। तो बुलेट वुलेट फायर हो रहा था, तो हम लोग निकल चुके थे गाइस यहाँ पे जॉर्जो पुल। ऊपर सामने बंदा, आप देख सकते हो सामने यहाँ पे फाइट चल रहा था, बोट के साथ वो लोग लड़ाई कर रहे थे, और उनके राइट साइड भी एक स्क्वाड था। तो हम लोगों को पता नहीं था कि राइट साइड फुल स्क्वाड है, मुझे लगा कि यहाँ पे दो ही बंदे। आप देखोगे एक को नॉक किया लोल रावण ने, एक को मैंने नॉक किया और फिनिश भी डाल दिया बहुत ही जम, क्योंकि किल कंफर्म करना था भाई साहब। बट अचानक से राइट साइड से आप देखोगे मेरे ऊपर एक K98K का शॉट आता है, वो भी सप्रेस्ड। ओ भाई क्या ही बात है, और वो बंदा देखो कहाँ है, झाड़ के पीछे है भाई साहब। कैसे स्पॉट हुआ वो, तो बस दिख गया थोड़ा सा उसका पैड इसलिए। और यहाँ पे पीछे से डीपी वाला, ये तो गलत कर दिया, ये तो नॉक था भाई साहब। यहाँ पे तो ये एक स्क्वाड तो फिनिश हो चुकी थी, सामने एक और स्क्वाड थी यहाँ पे सामने हमारे। तो अभी देखते हैं उस स्क्वाड पे हम लोग किस तरह से रश करते हैं। आप देखोगे यहाँ पे नॉक निकाला, पहला नॉक रावण ने, और यहाँ पे हम लोगों ने स्मोक वॉल वगैरह बना लिया कि रश करना उनके ऊपर, ओपन से जाओ। बट थोड़ा सा स्मोक वाल रहता है, तो चलो अगर कोई बंदा अगर अपना नॉक हो जाता है तो थोड़ा उसके लिए एडवांटेज रहता है कि वो मरता नहीं है, वरना आपको नॉक करने के साथ ही फिनिश डाल देंगे ना ओपन में। तो यहाँ पे रावण को मैंने भेज दिया था आगे, और यहाँ पे पीछे से मैं जाने वाला था क्योंकि लोल यहाँ पे कवर दे रहा था। तो यहाँ पे पीछे से मैं चला, पीछे से डैमेज देते हुए बंदे पे, रावण नॉक हो चुका था आगे जाके, बट यहाँ पे पीछे से मैं आ चुका था कवर देने के लिए।
यहाँ पे सामने वाला बंदा लोल पे एडीएस लिया बट उसे तब तक मैंने नॉक कर दिया, और यहाँ पे ऊपर एक और बंदा निकलेगा बट वो तुरंत पीछे भागेगा। रावण यहाँ पे नॉक था बट हमें तो भाई साहब किल चाहिए था ना, और वैसे भी अभी बहुत ज़्यादा हेल्थ था उसका, तो जब तक वो डैमेज होता तब तक तो फिनिश हो जाएगा पूरा का पूरा स्क्वाड आप देखना। तो यहाँ पे अंदर अंदर गेट पे आई थिंक यहाँ पे एक बंदा था, तो मैंने एक गेट पे एक ग्रेनेड फुल कुक मार दिया, तो दो बंदे वहाँ पे डाउन हो चुके थे। तो अभी मेरे को पता था कि यहाँ पे तीन बंदे नॉक है, तो मैं सीधा रद्द कर गया, और यहाँ पे सामने एक गेट कीपर बैठा हुआ था मुझे अंदर आने से रोकने के लिए, बट उसका बुलेट जैसे ही एमओ जैसे ही उसका वेस्ट करवाया मैंने, और यहाँ पे सीधा मैंने रस कर डाला। और यहाँ पे लोल भी लाइक नहीं नहीं किल तो मुझे ही चाहिए, और लास्ट किल उसने अपने लिए ले लिया। तो यहाँ पे मुझे तीन किल मिल चुके थे फाइनली जाके, अब जाके थोड़ा सा दिल को सुकून मिला, चलो भाई कुछ तो हुआ सही मेरे साथ, वैसे किल ही नहीं मिल रहा था आज तो। तो यहाँ पे रिवाइव वगैरह हम लोग हो चुके थे, हेल्थ वगैरह हमने मार लिया, और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे बंदे खोजते हुए, लास्ट के चार बंदे यहाँ थे, लास्ट के नहीं बोल सकते क्योंकि एक बंदा इसके बाद भी बचा हुआ था। और यहाँ पे ये लोग बहुत ही गलत वाला कैंप किया हुआ था इन्होंने गाइस, पहले ही ग्रेनेड वगैरह फेंक के रखा हुआ था हमारे रास्ते में, आप देखना ये देखो ग्रेनेड उसने फेंक दिया है, यहाँ पे ग्रेनेड है और सामने से अचानक से निकले, और जैसे ही ग्रेनेड देखा आपने ये मैं फूटा भाई साहब, मेरा हेल्थ देखो एकदम जीरो एचपी भाई, एकदम जीरो हूँ मैं, एकदम जीरो बचा, बट यहाँ पे बच गया मैं, रावण नॉक जरूर हुआ था, ग्रेनेड बहुत ही ओपी उसने फेंक के रखा हुआ था रास्ते में भाई साहब, ग्रेनेड फेंक के रखा हुआ था, कतई अमरीश पुरी जी के फैन लग रहे थे। और यहाँ पे गाइस हमने ग्रेनेड करना स्टार्ट किया, चलो अब उसकी बारी नहीं अब हमारी बारी थी, अभी इतना ग्रेनेड मारेंगे, इतना ग्रेनेड मारेंगे उसके घर को कतई धुआं धुआं कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ग्रेनेड्स वगैरह किया, बहुत सारे ग्रेनेड्स किए गाइस, 5 से 5 to 6 ग्रेनेड मैंने अकेले फेंका, और यहाँ पे बहुत सारे बंदे भी नॉक किए, दो तीन बंदे नॉक किए ग्रेनेड से ही। लोल ने भी बोला चलो आज मैं देखता हूँ कि क्या आप ग्रेनेड से पूरे स्क्वाड फिनिश कर पाते हो, बट मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास एक ही विंडो था आप देखते हो, राइट साइड से मैं कर नहीं सकता था, ओपन में जाने में थोड़ा सा डर लग रहा था उसके लिए मेरे को यहाँ। अभी दो बंदे नॉक हो चुके थे, तो अभी सारे बंदे हमारे भी रिवाइव हो चुके थे, अब मैं ओपन में जा सकता था, और वही मैंने किया, अभी ओपन में मैं इजीली चले गया क्योंकि मेरे बंदे अभी रिवाइव हो चुके थे, मेरे को कोई टेंशन नहीं था। रावण तब तक घुस चुका था, रावण ने जाके मेरा एक कन्फर्म किया क्योंकि वो बंदा वहीं लेटा हुआ था नॉक हुआ। और यहाँ पे मॉली जो किया गया था उसमें थोड़ा सा हेल्थ मेरा भी गया, रावण का भी गया, बट और रावण वहाँ पे नॉक हो जाएगा सामने वाले के ग्रेनेड से, क्योंकि सामने वाले ने खुद को भी फोड़ लिया और रावण को भी फोड़ लिया और अपने एक पार्टनर को भी फोड़ दिया जिसका कि किल मेरे को कन्फर्म हो गया। तो यहाँ पे लास्ट बंदा उसका बस बचा हुआ था, तो हम लोग यहाँ पे निकल चुके थे गाइस उसके लास्ट बंदे को मारने के लिए। रावण को तो रिवाइव मिलता रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, बट किल अगर एक और हाथ से निकल गया तो वो दोबारा नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम दोनों बंदे एक साथ निकल चुके थे रस करने के लिए। मैं मॉली वगैरह कर रहा था ऊपर, बट तब तक लोल अंदर घुस चुका था, आप देखना मेरा मॉली एग्जैक्ट उस बंदे के ऊपर रहता है, यहाँ पे ही बंदा है, और लोल भी लाइक लोल वहीं जाके बंदे मार देगा देखना आप, वो मतलब मॉली से जलते हुए उसने बंदे को मार दिया और लास्ट बंदा यहीं रहता है, तो रावण उसे फिनिश करता है। तो गाइस इस तरह से हमें इजीली 35 किल्स के साथ चिकन मिल चुका था। देखो बोले तो गाइस अगर अच्छा लगा था, अच्छा लगा हो हमारा ये पहला वीडियो, तो आप प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें कैसा लगा ये वीडियो, और शेयर करें अगर थोड़ा बोड़ा भी मन करे, भाई का चैनल है अपना, तो चलो गाइस लाइक शेयर जरूर कर देना आप लोग। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।